वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इससे पहले हनोई में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मोदी आज वहां के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। 15 साल बाद कोई भारतीय पीएम वियतनाम पहुंचा है। हनोई में प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है और इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए पूरब की यात्रा बताया है। इसके बाद वो आज ही चीन की राजधानी बीजिंग के लिए भी रवाना हो जाएंगे। बीजिंग में पीएम G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। माना यह जा रहा है कि G20 सम्मेलन से पहले पीएम मोदी के वियतनाम दौरे के कई मायने हैं। मोदी इसके जरिए जहां चीन को सख्त संदेश देना चाहते हैं, वहीं चीन भी पीएम मोदी के वियतनाम दौरे पर पैनी निगाह जमाए हुए है। दरअसल दक्षिण चीन सागर पर प्रभुत्व को लेकर वियतनाम और चीन के बीच विवाद है और भारत की कंपनियां वियतनाम के साथ मिलकर तेल निकालने की परियोजना में शामिल है। तो वियतनाम के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। वियतनाम में पीएम मोदी का हुआ है ग्रैंड वेलकम। पीएम नरेंद्र मोदी चीन से पहले वियतनाम पहुंचे हैं और जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हनोई में पीएम मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष से भी मुलाकात की है। वियतनाम के बाद अब पीएम मोदी चीन के लिए रवाना होंगे। मोदी के वियतनाम दौरे पर चीन की गहरी नजर है और मोदी ने चीन जाने से पहले वियतनाम दौरे पर जाकर चीन को एक कड़ा संदेश भी दिया है। वियतनाम में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अपने तय शेड्यूल के तहत पीएम मोदी ने सबसे पहले शहीद जवानों के स्मारक स्थल का दौरा किया और वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन में किस कदर कितना भव्य स्वागत यहां पर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो तस्वीरें आप देखिए। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले शहीद जवानों के स्मारक स्थल का दौरा करने के लिए गए और वहां जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी।